नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैष्णव सेवा समिति के तत्वाधान में समाज के आर्थिक सामाजिक उत्थान, समाज के गरीब असहाय युवक युवतियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन, गरीब बच्चों की पढ़ाई सहित अनेक मुद्दों को लेकर वैष्णव समाज की मीटिंग रखी गई। अध्यक्ष रामस्वरूप वैष्णव सराधना, सचिव परमेश्वर कुमार दिवाकर, नाथूलाल झाड़ली, कल्याण सहाय, कमल रामावत, सत्यनारायण रामावत सहित समाज के गणमान्य मौजूद रहे। समाज की गरीब कन्याओं का आगामी निम्बार्क जयंती पर निशुल्क विवाह करवाया जाएगा। साथ ही गत बीजेपी सरकार ने संविधान के विपरीत जाकर मंदिर की भूमि पुजारियों के नाम से हटाकर मंदिर के नाम करने पर वैष्णव समाज ने गहरा आक्रोश प्रकट किया है। वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति जिला अजमेर की ओर से पुष्कर स्थित वैष्णव ब्राह्मण धर्मशाला में एक बैठक रखी गई। इस बैठक में वैष्णव समाज की गरीब कन्याओं का विवाह निशुल्क कराया जाएगा और वो भी दहेज रहित, कोई लेन देन नहीं होगा शादियों में, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही पिछली राजस्थान की भाजपा सरकार ने संविधान के विपरीत जाकर पुजारियों को जमीन से खातेदारी अधिकार से वंचित कर दिया था, जिसको लेकर समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आगामी निम्बार्क जयंती पर एक बहुत ही बड़ी सभा की जाएगी, जिसमें इन सब पर दोबारा चर्चा की जाएगी। आज वैष्णव धर्मशाला में जीत कर आए जनप्रतिनिधियों एवं समाज के कई लोगों का सम्मान भी किया गया। इस संबंध में वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति के जिला अध्यक्ष रामस्वरूप सराधना ने बताया कि समाज की ओर से हर साल कुछ न कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें समाज की बच्चियां आगे बढ़ें, पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करें, इसको लेकर भी चर्चा की जाती है। इस दौरान पुष्कर नयारंग जी मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत पार्षद, कमल रामावत पार्षद, शरद वैष्णव सहित कई लोग मौजूद थे। आज हमारे पुष्कर वैष्णव धर्मशाला में जो उस हमारे वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति जो अजमेर जिले की बनी हुई है और जो समिति बनी है उसका जितने भी पदाधिकारी थे, नए जो अध्यक्ष बने उनकी एवं जो नव निर्वाचित नगरपालिका ग्राम पंचायतों में जो भी वैष्णव समाज के जो जनप्रतिनिधि चुने गए उनका स्वागत एवं मुख्य काम जो था वो था हमारे पूरे भारत देश के जितने भी वैष्णव समाज है, जो डोली भूमि जो भूमि पुजारियों से पहले छीन ली गई थी एक तरह से, उसका वापस पुजारी के नाम से जमीन की खातेदारी हो उस संबंध में भी, और समाज का कैसे उत्थान हो, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में समाज आगे आए, किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए, इस तरह से काफ़ी बातों पे चर्चाएं हुई एवं समाज बंधुओं ने सहयोग किया। और ये जो समिति बनी है और समितियों का जो गठन हुआ है उसमें हालांकि मेरा तो इतना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हुआ है वो श्री रामस्वरूप जी जो हैं सराधना के, इनके प्रयासों से मुझे भी इसमें
बोलने का, जगह जगह एसडीएम साहब के यहाँ इनके साथ शिष्टमंडल के साथ जाने का मौका मिला था। उसी के अनुरूप आज समाज को पूरे को ये सब चीज़ बताने के लिए कि भाई इस तरह से अपन ने जो जयपुर धरने दिए थे, जो भी प्रयास किया था इन लोगों ने अपने समाज के लिए, वो उसमें सफलता प्राप्त हुई है। उसके अनुरूप आज जो मीटिंग रखी गई थी उसमें मैं इस जो ये समिति है उसका एक उन्होंने मेरे को संरक्षक का पद दे रखा है, और आज जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी भाई साहब हैं बिखरने वाले। आपका नाम? सत्यनारायण रामावत, वैष्णव धर्मशाला पुष्कर एवं संस्थापक ब्राह्मण सेवा समिति अजमेर। क्यों जी सही, आज वैष्णव ब्राह्मण धर्मशाला पुष्कर में वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति जिला अजमेर की बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य मुद्दे थे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान एवं हमारे जो अजमेर ज़िले की 23-24 समितियाँ उनमें नवनिर्वाचित उप समितियों में अध्यक्ष बने उनका सम्मान किया। उसके पश्चात हमारे जो मंदिर माफी भूमि है उसका 13/12/1991 में बीजेपी सरकार ने ऐसा कुठाराघात किया कि सभी पुजारियों को, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं, गिरिपुरी भी आते हैं, उनकी जमीनों से उनको खातेदारी अधिकार से वंचित कर दिया, जो संविधान की धारा 31 अनुच्छेद 2 के अनुसार बिल्कुल गलत है। जब संविधान में व्यवस्था है कि पुजारी मंदिर भूमि का मालिक है, संविधान से ऊपर न तो कोई राष्ट्रपति है, न कोई न्यायालय, न कोई मुख्यमंत्री है, जब संविधान में यह व्यवस्था, अपना संविधान की कॉपी उठा के देखिए, संविधान में यह व्यवस्था है कि पुजारियों के जमीन का खातेदारी अधिकार दिया जाए और वंशानुगत दिया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाए, परंतु इन सरकारों ने पता नहीं किस मंशा से पुजारियों को इस तरह की ये कठिनाई में डाल दिया है। इस कठिनाई से निकलने के लिए पुजारियों ने संघर्ष किया और पुजारियों को आंशिक 50% 60% सफलता भी मिली। शेष जो बात रही है उसके लिए हम बाद में भी प्रयास करेंगे। इस मीटिंग में मुख्य मुद्दा यह था कि चाहे कन्या 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, हम निःशुल्क और दहेज रहित सामूहिक विवाह करना चाहेंगे। निम्बार्काचार्य जयंती पर यदि हमारी वैष्णव समाज की जो एक पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं वो 7-8 महीने में तैयार हो जाती है, तो उसका विमोचन भी हम निम्बार्क जयंती पे करेंगे और निःशुल्क बच्चियों की शादी करेंगे, जिसमें न तो शुल्क लेंगे न उनको दे देंगे, और उल्टा समिति की तरफ से ऐसा आर्थिक सहयोग देंगे ताकि वो घर जाके अपने गृहस्थी को संचालित कर सके, चाहे हमारे से 5,000 10,000 50,000 जितना भी इकट्ठा हो जाएगा उस हिसाब से। तो इस तरह की योजनाओं पे विचार किया गया और पूरे जिले के जो सदस्य आए थे, 22 के 22 समिति आई थी, उन्होंने इसका समर्थन किया कि यह आपका जो कार्यक्रम है यह अच्छा है और इसको आप दहेज रहित जो सामूहिक विवाह करने जा रहे हो निःशुल्क वो कीजिए, और आपकी जो पुस्तक है वो प्रकाशित कीजिए। हमने पहले पुस्तक प्रकाशित की, बताएंगे आपको देख लेने। अगर आपके घर में है कोई शादी, समारोह, बर्थडे या अन्य कोई पार्टी, तो आप पुष्कर के कृष्ण धाम मैरिज गार्डन चले आइए, जहां सारी सुविधा युक्त व्यवस्था एक ही छत के नीचे हो जाएगी। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारे मोबाइल नंबर है 9261628882। हमारी ओर से पुष्कर वालों के लिए खास व्यवस्था है, सबसे पहले पुष्कर वाले को बुकिंग दी जाएगी, इसके बाद ही बाहर वाले को। हाँ, आप जरूर यहां पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हमारा पता है कृष्णधाम मैरिज गार्डन, नया रंगजी मंदिर के सामने, छोटी बस्ती पुष्कर। यहां पर पार्किंग व्यवस्था
फायर ब्रिगेड से जुड़ी सी व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल है। हलवाई के लिए सुंदर रसोई की व्यवस्था आदि सभी सुविधाओं युक्त यह गार्डन आपके लिए हाजिर है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में विद्युत विभाग की ओर से डाली जा रही अंडरग्राउंड लाइन अब पुष्करवासियों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। इसकी वजह से कई बार सीवरेज लाइनें एवं पानी की लाइनें भी मिक्स हो गई है, जिसके कारण घरों में गंदा पानी भी सप्लाई हो गया। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर को विद्युत विभाग की ओर से पूरी लाइनें अंडरग्राउंड करने का काम शुरू किया, लेकिन लेट लतीफी और संभल कर काम नहीं करने के कारण ये पुष्करवासियों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुकी है। विद्युत विभाग की ओर से डाले जा रही अंडरग्राउंड विद्युत लाइन की वजह से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, जगह जगह सड़कें उधेड़ दी गई है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए की सड़कें कुछ ही समय पहले बनकर तैयार हुई थी, लेकिन ये सब फोड़ दी गई है। कई बार उच्च स्तरीय बैठक हुई और विद्युत विभाग को समझा दिया भी गया, इसके बावजूद भी वही हालात है। आज सुबह सुबह ही पुराने पुष्कर थाने के सामने स्थित अंबेडकर कॉलोनी में विद्युत लाइन खोदने के दौरान सावधानी से लाइन नहीं खोदने के कारण पानी पीने की और सीवरेज की लाइनें आपस में मिक्स हो गई, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। चार पाँच दिन से हमारी समस्या चल रही है कि अंडरग्राउंड जो केबल का काम चल रहा है ना, इससे क्या वो पूरी लाइनें, एक तो सीवरेज की लाइनें टूट चुकी है और पानी की लाइनें टूट चुकी है, तो गंदा पानी क्या पानी की लाइनों के अंदर चल रहा है अभी वार्ड के अंदर। ये काम कितने दिनों से चल रहा है? ये काम को तो हो गया करीबन इनको दो ढाई महीने हो गए खुदे हुए लाइनों को, मगर आज तारीख तक वारवासी भी परेशान है, सब लोग परेशान हो रखे हैं कि नालियां पाले ब्लॉक हो रखी है, तो ये समस्या बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। आज देखो ये स्थिति हो रखी है वार्ड के अंदर कि सीवरेज का जो पानी है ना लाइनों में जा रहा है, पानी पीने की लाइनों में जा रहा है, मेन समस्या ये वार्ड के अंदर पानी, मेन मुख्य रास्ता ये वार्ड के अंदर जाने के, टैंकर से भी पानी पिलावे सप्लाई करें वार्ड में, तो वो सप्लाई नहीं हो सकती वार्ड के अंदर जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा, जब तक ये दिक्कत वाली बात है। आपका नाम? नारायण दायमा।